अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की रोटी। ये 4 कप दाल है जो बच गई थी, मैंने उसको फ्लेम पे गैस पे सुखा दिया। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1/2 कप हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे, 6 हरी मिर्चियाँ, 1 बड़ी प्याज कटी हुई ऑमलेट स्टाइल में, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे। दो टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। ये 1.5 कप गेहूं का आटा है छाना हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर कम लग रहा है तो वापस ऐड कर सकते हैं हम। अब इसको भून लेंगे। इसको सूखा सूखा भूनना है। एक कप और आटा इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये गीला नहीं होना चाहिए, सूखा सूखा होना चाहिए जिससे कि हमको बेलने में आसानी होगी। टेस्ट करके देख लेना है, नमक कम हो तो नमक अभी ऐड कर सकते हो आप। देखिए मैंने गूंद दिया है इसको। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे रेस्ट करने के लिए। देखिए थोड़ा सा आटा मैंने लिया है, वो दाल वाला आटा, सूखा आटा लगाकर इसको अभी बेल लूँगी। हल्के हाथ से बेलना है इसको, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। ऐसे हम इसको बेल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट बेली गई है ये। अभी तवा मेरा गरम हो चुका है, मैं इसमें दाल की रोटी डाल दूंगी। तेल से भी आप इसको सेक सकते हो, मैं घी से सेक रही हूँ। फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। लो कर देंगे फ्लेम, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तवा। वापस से घी डालेंगे इस पर।
देखिए कितनी अच्छे से सिक चुकी है। निकाल लेंगे इसको। दाल की रोटी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।